अरे ये देख खबर कैसे छपी। राम राम काका। अरे राम राम, 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 राम। बैठो बैठो। कभी आया शहर से? बस आज ही आया। आप सब लोग कैसे हैं? अरे हम सब तो एकदम बढ़िया है। मनोज बेटा, मैंने सुना है कि थारी बड़ी अच्छी नौकरी लगी गई है शहर में। हाँ काका, नौकरी और तनख्वाह दोनों बहुत अच्छी है। बस गाँव की बहुत याद आती है। यो बात तो है बेटा, गाँव की बात ही अलग है। अब अपनो गाँव शहर से कम बेहतर थोड़ी। अरे हाँ काका, गाँव से याद आया, गांव में तो चुनाव है, तो आप सब लोग किसे चुन रहे हैं? अब यो भी कोई पूछने की बात है। अरे बेटा, हमारे लिए 24 घंटा काम करने वाले दीपक जोशी भैया को। हाँ, दीपक भैया ने विकास के रास्ता पे चल के इना गांव की तस्वीर बदल दी है। हाँ काका, ये बात तो है, गांव पूरा चमक रहा है। जब मैं गांव में घुसा तो मुझे लगा मैं कोई और गांव में तो नहीं आ गया। अरे वाह, सब लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। नमस्ते मैम। अरे मनोज, तुम कब आए? मैं आज ही आया। अच्छा। अरे टीचर जी, यो मनोज तो गांव में आईने एकदम भुचक्को रही। अच्छा। हाँ, पक्का स्कूल, 24 घंटा बिजली और इतना नीत कबड्डी का लिए इंटरनेशनल लेवल को प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही। अब टीचर जी, इना सब बात का श्रेय अपने दीपक जोशी भैया को जाए नहीं। और मनोज, तुमको पता है अपने दीपक भैया ने गांव में भी ITI कॉलेज खुलवा दिया है। अब गांव के बच्चों को शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए। ऐसा कोई विधायक होगा जो अपने क्षेत्र के प्रति इतना समर्पित हो? मिनिस्टर होते हुए भी 24 घंटे फोन पर उपलब्ध रहते हैं वो। ये वही कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं जो काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग छवि वाले नेता हैं। हाँ। तो समझे मनोज, अब की बार भी कोई गलती मत कीजो। हम सब की भलाई करने वाला दीपक जोशी जी को वोट दीजो। हाथ से हाथ मिलाकर चलना, विकास की राह पर हर पल बढ़ना, सच्चाई और ईमानदारी का दूसरा नाम, हर इंसान का मार्गदर्शक और कमजोरों की आवाज। हम तो अपने दीपक भाई को जिताकर विकास और खुशहाली को जिताएंगे।